करण कुंद्रा ने नहीं, लेकिन इस एक्टर ने दी है तेजस्वी प्रकाश को उनके नागिन लुक के लिए हिदायत। आखिरकार क्या कुछ कहा और किसने कहा, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस जितनी भी टेलीविजन पर काम करती हैं, ये सभी बहुत मेहनत करती हैं और कई बार इन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि कल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ये दोनों ही एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे और इसी बर्थडे पार्टी में शामिल थे अर्जुन बिजलानी भी। जी हाँ, जो अर्जुन बिजलानी वही हैं जो खुद नागिन का हिस्सा रह चुके हैं मौनी रॉय के साथ में। अब आपको बता दूं यहाँ पर कि जब करण यहाँ पर तेजस्वी से मिले तो उन्होंने तेजस्वी को कहा कि तेजस्वी तुम बहुत स्लिम हो चुकी हो और स्लिम मत हो, ये अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे तेजस्वी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं नागिन कर रही हूँ तो मुझे मेरे को इतना मेंटेन रखना पड़ रहा है और मुझे स्लिम होना पड़ रहा है, इतना ऐसा करके मुझे अपने आप को रखना पड़ रहा है। जिस पर करण कुंद्रा कहते हैं कि इसकी बॉडी ही पतली है, बाकी इसके फेस जो है, चीक्स जो है वो थोड़े हेल्दी हैं, इसलिए मैं इसको लड्डू बुलाता हूँ। सो यहाँ पर अर्जुन बिजलानी फिर भी इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि और वेट लूज मत करो, मैं जानता हूँ जितनी भी एक्ट्रेसेस जो हैं वो जो भी नागिन करती हैं वो अपना वेट लूज करती रहती हैं, काफ़ी उन्हें पतला दिखना होता है स्क्रीन पर, लेकिन तुम मत करो और इससे ज़्यादा मत करना। तो यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया है अर्जुन बिजलानी ने। आपको बता दूं कि एकता कपूर की नागिन सीरीज में जितनी भी एक्ट्रेसेस ने काम किया है, फिर चाहे वो मौनी रॉय हो, अनिता संदानी हो, चाहे वो सुरभि चांदना हो, चाहे वो अदा खान हो, कोई भी हो, इन सब ने अपना वेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए होता है और इन्हें मेंटेन करके भी रखना होता है क्योंकि उस हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अर्जुन बिजलानी की इस सलाह पर, अर्जुन बिजलानी के इस कह पर आप लोग का क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए फिल्म विंडो को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें, सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ फिल्म विंडो पर।